रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अली के साथ मैं हूं अली जमशेद। लेट अस बिगिन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव लुक एट लाहौर बोर्ड के वो जुमले जो कि लाहौर बोर्ड में रिपीट हुए हैं। लाहौर बोर्ड 2017 का पेपर है, ग्रुप वन का पेपर है और पहला सेंटेंस है स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। दिस इज द लास्ट न्यूज। ठीक है, दिस इज द लास्ट न्यूज, तो इसका जो आंसर है वो है दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि लास्ट न्यूज नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज होता है। सेंटेंस नंबर थ्री है देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। अब ये देर इज नो रूम इन दिस रूम भी हो सकता है, देर इज नो रूम इन दिस हाउस भी हो सकता है, देर इज नो रूम इन दिस बस भी हो सकता है। ये आपने बात याद रखनी है कि देर इज नो प्लेस जो है वो नहीं होता। ठीक है, हिज हेयर्स आर रेड। अब हेयर जो है कलेक्टिव नाउन है, तो एक बंदे के बाल हैं तो उसके बारे में होगा हिज हेयर इज रेड, कि उसके बाल सुर्ख रंग के हैं। ठीक है, हिज हेयर आर रेड नहीं होगा क्योंकि हेयर जो है वो कलेक्टिव नाउन है। सेंटेंस नंबर फाइव है नो सूनर आई सॉ हिम आई रैन टू मीट हिम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई रैन टू मीट हिम। ओके, सेंटेंस नंबर सिक्स है द कमेटी वॉज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, इसकी रीजन है अगर ये कमेटी मुतफिका फैसला करती है तो ये फिर जो कि एक ही इकाई के तौर पे कलेक्टिव नाउन के तौर पे आता है, तो फिर उस सूरत में वाज लगता, ठीक है, ये सिंगुलर हो जाता। अब चूंकि उनकी राय तकसीम हो गई है तो वो सिंगुलर नहीं रहे बल्कि प्लूरल हो गए, तो इस वजह से वर लग रहा है और इट्स की जगह पे देयर आ गया। ठीक है, आई टुक मील बिफोर ही केम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आई हैड टेकन मील बिफोर ही केम। ठीक है, सेंटेंस नंबर एट है माई सिस्टर इज एम ए इन द इंग्लिश। और जो ऑप्शंस है माई सिस्टर इज अ एम ए इन द इंग्लिश, माई सिस्टर इज एन एम ए इन इंग्लिश, माई सिस्टर इज एम ए इन इंग्लिश, माई सिस्टर एम ए इन एन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, माई सिस्टर इज एन एम ए इन इंग्लिश। ठीक है, अब एन आप कहेंगे कि जनाब एन क्यों लगेगा, तो एन इस वजह से लगेगा क्योंकि जो एम है, ठीक है, हमारे यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें वावल साउंड जो होती है उसकी बेस पे ये जो आर्टिकल है इसका इस्तेमाल होता है। तो एम का अगर हम देखें तो एम ई से इसका साउंड जो है एम बनता है। ठीक है, तो जो आगाज की साउंड है वो वावल साउंड है, तो इस वजह से एन एम ए लगेगा। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये सिस्टर की जगह मतलब के ब्रदर हो सकता है, सिस्टर की जगह फादर आ जाएगा, एम ए इंग्लिश की जगह कोई और एम ए हो सकता है, लेकिन जब एम ए लगेगा तो एम ए के साथ आपने जेन में रखना है कि एन लगता है। ठीक है, यू हैव मैनी वर्क्स टू डू, यू हैव मैनी वर्क्स टू डू, यू हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू, यू हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। तो ऑप्शन सी जो है सेंटेंस नंबर नाइन के अंदर इज द करेक्ट ऑप्शन। This house is too much big for you and your family. तो इसके जो options हैं this house is more big for you, नहीं, this house is much big for you and your family, this house is much big for you and your family. तो इसमें option B आएगा। ठीक है, this house is much too big for you and your family. Okay. Sentence number 11 है हायर यू गो कूलर इट इज। अब ये सेंटेंस बहुत रिपीट होता है। ठीक है, और ये इसी सूरत में रिपीट होता है जिस सूरत में आपके सामने लिखा हुआ है, और इसका ऑप्शन है बी, द हायर यू गो द कूलर इट इज। रावी इज अ फेमस रिवर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सबसे से पहला ऑप्शन द रावी इज अ फेमस रिवर। ठीक है, अब चूंकि रावी एक खास दरिया है, ठीक है, तो इस वजह से हम उसके साथ द लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 13 है ही इज इल
बाय फीवर। अब ये सेंटेंस हमने करेक्शन में भी किया है, सॉरी यूज ऑफ प्रेपोजिशन में भी हमने किया है कि ही इज इल विद फीवर, इस चीज का हमें ऑलरेडी पता है। ऑल्दो ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग, तो ऑल्दो और दो जिस जुमले में लग जाता है उसके साथ फिर येट है, ठीक है। ऑल्दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये दो ट्रांजिटिव डिवाइसेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए हैं। ही इज अ कवर्ड मैन, सेंटेंस नंबर 15। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी, ही इज अ कवर्डली मैन। कवर्ड जो है वो खुद नाउन है, ठीक है। तो एक नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे उसको इस्तेमाल हम नहीं करते। द कवर्ड जो है उसका एडजेक्टिव बनता है कवर्डली, ठीक है। तो ही इज अ कवर्डली मैन, ठीक हो गया। सेंटेंस नंबर 16 है, यू हैड बेटर वर्क हार्ड। अब हैड बेटर जहां पे लगता है ना उसके साथ फिर हम वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं ये लैंग्वेज के रूल्स में, ठीक है। तो यू हैड बेटर वर्क हार्ड हुआ। सन राइजेज इन द ईस्ट, तो एक ही सूरज है और एक ही ईस्ट है, ठीक है। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ही इंजॉयज स्पीकिंग लाइज, सेंटेंस नंबर 18। तो स्पीकिंग लाइज नहीं होता बल्कि टेलिंग लाइज होता है, ठीक है। तो ही इंजॉयज टेलिंग लाइज। ही हैड कम हियर येस्टरडे, तो इसमें आएगा ही हैड केम हेयर येस्टरडे, सेंटेंस नंबर ऑप्शन ए जो है वो आएगा। देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, अब वही सेंटेंस जो है वो रिपीट हो गया। देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 21 है, ही गेव मी फ्यू रुपीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ही गेव मी अ फ्यू रुपीज, ठीक है, अ फ्यू रुपीज। सेंटेंस नंबर 22 है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शंस हैं कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो द कैटल ही होगा लेकिन द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन, नंबर 23। ही लव्स टू हिज चिल्ड्रन, ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन, ही लव्स फॉर हिज चिल्ड्रन, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है कि ही लव्स हिज चिल्ड्रन। नंबर 24 है, द मैन इज मॉर्टल। ऑप्शंस हैं द मैन इज इमॉर्टल, द मैन आर मॉर्टल और नंबर सी मैन इज मॉर्टल इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 25, शी कंग्रेचुलेटेड मी फॉर माई सक्सेस। ऑप्शंस हैं शी कंग्रेचुलेटेड मी अपॉन माई सक्सेस, शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो ऑप्शन बी जो है शी कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंटेंस नंबर 26 है, ही डिस्पोज ऑफ द केस, और ऑप्शंस हैं ही डिस्पोज फॉर द केस, ही डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज के साथ ऑफ ही लगता है लेकिन ओ एफ ऑफ लगता है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं लगता। ही रीड्स डॉन डेली, ही रीड डॉन डेली, ही रीड द डॉन डेली, ही रीड्स द डॉन डेली। अब द डॉन हम लगाते हैं क्योंकि एक खास अखबार का नाम है जिसका हमें पता है, ठीक है। तो नंबर 28 है, आई हैव पास माई मैट्रिक इन 2012। ऑप्शंस हैं आई हैड पास माई मैट्रिक, आई हैव डन, आई हैव पास्ड, आई पास्ड माई मैट्रिक, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, आई पास माई मैट्रिक इन 2012। अब ये रिपीट हो रहा है सेंटेंस, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपको आपके जहन में ये जुमला होना चाहिए द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड था, ठीक है। नंबर 30 है, शी इज सीनियर देन मी, तो ऑप्शंस हैं शी इज सीनियर देन आई, शी इज मोर सीनियर टू मी, शी इज सीनियर देन माइन, शी इज सीनियर टू मी। तो ऑप्शन डी जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट शी इज सीनियर टू मी। नंबर 31 है, ही नोज टू ड्राइव अ कार। ऑप्शंस हैं ही नोज ड्राइव अ कार, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार, द करेक्ट ऑप्शन इज ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। शी इज
टॉलर ऑफ द टू ऑप्शंस हैं, शी इज टॉलर देन टू, शी इज द टॉलर ऑफ द टू। तो 32 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे पास बी, शी इज द टॉलर ऑफ द टू। नंबर 33 है, द मैटर इज बिटवीन ही एंड आई। ऑप्शंस हैं, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड आई, द मैटर इज बिटवीन ही एंड मी, द मैटर इज बिटवीन हिम एंड माइन, और द मैटर इज बिटवीन हिम एंड मी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 34, ही सेड दैट ही लव्ड विद सलमा। ऑप्शन ए है, ही सेड दैट ही लव्स विद सलमा। ऑप्शन बी है, ही सेड दैट ही लव्ड सलमा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 35, शी हैज टेकन द एग्जामिनेशन 2 डे अगो। तो ऑप्शंस हैं, शी टुक द एग्जामिनेशन 2 डे अगो, शी हैड टेकन द एग्जामिनेशन 2 डेज अगो, शी हैव टेकन द एग्जामिनेशन 2 डेज अगो, शी हैज टुक द एग्जामिनेशन 2 डेज अगो। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इस वक्त मौजूदा सेंटेंसेस में तो ऑप्शन बी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर डे की जगह पे डेज होता तो फिर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। हो सकता है इसमें मिस प्रिंट हो लिखने में, तो मे बी ऑप्शन ए जो है, अगर यहाँ पे डेज लगेगा तो फिर यही ऑप्शन करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 36 है, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो ऑप्शन है, आई हैव मैनी वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, आई हैव मच वर्क्स टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव मच वर्क टू डू। नंबर 37, ही डिस्पोज ऑफ द केस। अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ओ एफ ऑफ आएगा, आपको पता है इस चीज का ऑलरेडी। नंबर 38, शी लेज इन द बेड। ऑप्शन है, शी ले इन द बेड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 39 है, ही यू एंड आई टोल्ड द न्यूज। ऑप्शन है, यू ही एंड आई, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए, यू ही एंड आई। इसको सीक्वेंस को आपने याद रखना है, जब कभी भी इस टाइप का जुमला आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड पर्सन होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है। द बोथ गर्ल्स आर टॉल। ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए, बोथ गर्ल्स आर टॉल, द बोथ ऑफ गर्ल्स आर टॉल, बोथ द गर्ल्स आर टॉल। ऑप्शन सी जो है, बोथ द गर्ल्स आर टॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके,